सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दीपक ठाकुर जब भी सोमी खान को देखते हैं तो सोमी खान उनसे अनकंफर्टेबल हो जाती है, ऐसा कई बार देखा गया है। लेकिन अब पासा उल्टा पड़ गया है। अब सोमी खान की वजह से दीपक ठाकुर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब दीपक ठाकुर जेल को साफ कर रहे थे और बाहर गार्डन एरिया में सुरभि और सोमी खान बैठ कर बातचीत कर रहे होते हैं, तो इस दौरान दोनों को सोचती है कुछ खुराफात और वो दोनों दीपक को परेशान करने लगती है। सुरभि दीपक को बुलाती है, यहाँ आना दीपक, देखो वो देखो कैप्टन आ रहा है। और जेल से निकलते वक्त दीपक को सर में चोट लग जाती है और वो गिर जाते हैं। और फिर सोमी खान कहती है कि वैसे गिरता विरता टूटता फूटता रहता है। और फिर सुरभि कहती है ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो यार। सोमी खान कहती है ओह कम ऑन चिल। फिर सोमी और सुरभि दोनों एक साथ मिलकर कहती है कि अगर हम अनकंफर्टेबल हैं तो हम तुम्हें भी अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे। सुरभि कहती है अरे मूर्छित हो गए हमारे कैप्टन, तुम्हें पता है दिवाली के दो दिन बाद भाई दूज आती है। तो सोमी खान दीपक ठाकुर को पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं तो इस बार दिवाली के दो दिन बाद मैं भाई दूज बनाऊंगी बिग बॉस के घर में। और फिर वो दोनों गाना गाती हैं भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। फिर सुरभि सोमी को एक और बात बताती है, देख बात का जवाब बात, लात का जवाब लात और अनकंफर्टेबल का जवाब अनकंफर्टेबल। और इस तरह से वो दोनों मिलकर दीपक ठाकुर को बड़ा ही परेशान करती हैं। और दीपक ठाकुर ये सब सहन नहीं होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।